अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आज हमरे साहब के शादी है। अरे का गोपू भैया, कितना गजब ढा रहे हो। तनिक नजर के काला टीका लगा लो तो। लगा लो गोपू, एक नहीं 10-20 टीके लगा लो। तुम्हें नजर तब लगेगी ना जब कोई तुम्हें देखेगा। देखेगा ना, काहे नहीं देखेगा। तुम भी नहीं देखोगी का? हमारी छन्नो देखो देखो, हम कितना बड़ा ब्लडी फुलवा लग रहे हैं। गोपू तुम ठीक कह रहे हो। तुम भी फुलवा नहीं ब्लडी फुलवा लग रहे हो। गोपू लगता है साहब और मेम साहब आ गए हैं। हाँ, तुम जाओ। ठीक है, मैं सेज सजाने जा रही हूँ। ओके ठीक है। आइए साहब, स्वागत है आपका। ये आपके रिलेटिव हैं? नहीं बरखा, ये मेरे लिए मेरा रिलेटिव नहीं है, लेकिन मेरे किसी रिश्तेदार से कम भी नहीं है। और मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करा दूं, ये गोपू है जी। कहने को तो ये मेरे घर का नौकर है, लेकिन मेरे लिए फैमिली मेंबर से कम नहीं है। तुम इसकी खुशियों का अंदाजा देख कर लगा सकती हो। आइए सर, आओ। एनीवेज मिसेस बरखा, कैसी लगी ये मेरी छोटी सी दुनिया? बस अब तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी जिंदगी में ऐसी बरखा बनकर बरसना कि मैं कभी प्यासा ना रहूं। हाँ ऐसे ही बरसूंगी, मगर संभल कर रहना। क्या मतलब? बिजली गिरा के बरसूंगी। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी। तो बताइए साहब, कैसन गुजरी आप लोगन के सुहागरात? गोपू ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? कभी किसी से उसकी सुहागरात के बारे में नहीं पूछा जाता, नहीं बताया जाता है, ये सब उनकी प्राइवेट बातें होती हैं। कौनो प्राइवेट प्राइवेट बात नहीं, वो हमारा दोस्त है ना, सब कुछ बता रहा अपने सुहागरात के बारे में। हाई हुआ हू हुआ। सो फनी, तुम ही कहते थे ना ये फैमिली मेंबर जैसा है, अब बता दीजिए ना। व्हाट रबिश यार। अच्छा गोपू एक बात बताओ जी, तुम शादी कब कर रहे हो? क्या बताएं साहब, लोग अपने किस्मत के मारे होते हैं, एक हम हैं कि अपने बाप के मारे हैं। कसम से एक दिन हम खोज के दिखाई देंगे कि हमारी उम्र छोटी है कि हम छोटे हैं। खोज के बता देंगे? क्या खोज के बता देंगे? साहब वो शट योर माउथ गोपू, हमसे गलती हो गई का साहब। अच्छा हम जाते।
बरखा, बरखा आ रही हूँ। रणवीर, तुमने मुझे बताया नहीं कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं। बरखा, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, बल्कि मैं जा रहा हूँ। अकेले? पर कहाँ? बरखा, मुझे अभी अभी मैसेज मिला है कि वहाँ बॉर्डर पर जंग जैसे हालात हो गए हैं, मुझे अर्जेंटली जाना ही होगा। लेकिन रणवीर, तुमने शादी के टाइम तुमने बोला था कि तुम कुछ दिन रुकोगे। अभी हम एक दूसरे के करीब भी नहीं आए, ना एक दूसरे को जाना ना समझा, और तुम जा रहे हो। मैं जानता हूँ बरखा, मैं तुम्हें, तुम्हारी ख्वाहिशों को और खुशियों को अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन बरखा, मैं एक फौजी भी हूँ, और एक फौजी के लिए उसका फर्ज पहले होता है, परिवार बाद में। लेकिन मैं तुम्हारे बिना तन्हा अकेली रह जाऊंगी, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। बरखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। रह तो मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करें, रहना तो पड़ेगा ना। और गोपू और छन्नो तो है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ट्रस्ट मी यार, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। और तुम भी प्लीज अपना ख्याल रखना। रणवीर, तुम मेरे इतने करीब होते, इतने करीब। आप कौन? जी, आई एम आकाश। आकाश? मैं रणवीर का फ्रेंड हूँ और दिल्ली से आया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले रणवीर को कॉल करके कहा था कि किसी काम से मैं मुंबई आ रहा हूँ और उसी के घर में स्टे करने वाला हूँ। उन्होंने जिक्र किया था आपका। एनीवेज, साड़ा यार रणवीर कहाँ है? वो तो ड्यूटी पर गए हैं। ड्यूटी पे? लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ ना रहने पर भी आप यहाँ रह सकते हो। जी थैंक्स। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? ये हमरे मेम साहब हैं। साहब ने शादी कर ली। व्हाट? रणवीर ने शादी कर ली? हद है यार, मतलब दोस्तों को बताया तक नहीं, उसने इस लायक भी नहीं समझा कि हम उसकी शादी में आ सके। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। सॉरी।
अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? सॉरी तो रणबीर को बोलना पड़ेगा। एनीवेज, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ। थैंक्स। गोपू? हाँ मैडम। साहब का सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रखवा दो। हाँ ठीक है मैडम। अरे आलाहीर, आइए साहब, ये रहा आपका कमरा, यहाँ आप रहिए, मौज कीजिए या मजा। वेरी नाइस प्लेस। तो मिस्टर आर्मी मैन आजकल यहाँ अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। सही कहते हो यार गोपू भैया, अब हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ मजे भी करेंगे और मौज भी। अच्छा साहब, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो यार, बैठो बातें करो हमारे साथ। अरे नहीं साहब, बहुत देर हो गई, नहीं तो छन्नू हमको आग दिखाएगी और कहेगी काम धंधा छोड़कर यहाँ वहाँ फुदकाए फिरते हैं। अब हमका जाने दो साहब, बहुत देर हो गई, नहीं तो काका दिखाएगी। गोपू, ऐसे छुप छुप के कहाँ देख रहा है? सामने आके देखो। कभी देखा ऐसा फूलों सा हुस्न? नहीं। कभी देखा ऐसी मखमली सी जवानी? नहीं। तो जी भर के देखना, ये सब तेरे लिए तो है। क्या बात कर रही हो, इस जवानी के जिंदा भूत हमारे लिए है। तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? सिर्फ देखेगा कि कुछ करेगा भी? अरे ओ गोपू, ये कुत्तों वाली नजरों से क्या देख रहा है रे? कहाँ बात है? नहीं छन्नो, हम तो बहुत अच्छी नजरवा से देख रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तुम। कहो तो हम कह देते हैं, एकदम फटाका लग रही थी तुम। सच तो ये है छन्नो कि तुमने अपना फिगरवा दिखा के हमरे जिगरवा पे इमोशनल अत्याचार कर दिया रे। हाय भाभी जी। हाय। क्या बात है, आप यहाँ अकेली बहुत तन्हा लग रही हैं? बस यूं ही। अरे ये क्यों नहीं कहती कि आप रणवीर के ख्यालों में खोई हुई हैं? और ऐसा होना भी चाहिए। मैं जानता हूं भाभी जी कि आप रणवीर के बिना बहुत ही तन्हा और अकेला महसूस कर रही हैं, पर क्या करें, रणवीर की जॉब ही ऐसी है। एक बात कहूं भाभी जी, आपके इस खूबसूरत से चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, ये उदासी नहीं। और यकीन मानिए, अगर आज रणवीर यहां होता तो वो भी यही कहता।
गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। नाइस बॉडी, लगता है बॉडी बनाने का बहुत शौक है आपको। जी हाँ, लाइफ में इंसान को फिट तो रहना ही चाहिए, और फिर एक्सरसाइज करने से सेहत के साथ साथ बॉडी भी अच्छी बन जाती है, और अच्छी बॉडी से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ना बाबा ना, मैं इस शौक से दूर ही रहना पसंद करती हूँ। और क्या शौक है आपके? जी मुझे इसके अलावा फोटोग्राफी का शौक है, या यूं कहिए कि खूबसूरत चीजों को अपने कैमरे में कैद करना मुझे अच्छा लगता है। आप शादीशुदा हो? नहीं। कोई गर्लफ्रेंड? आप इतने हैंडसम हैं और अभी तक आपने शादी भी नहीं की। शादी नहीं कोई बात नहीं, पर तो कोई गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। लगता है आपने हैंडसम होने का कोई फायदा नहीं उठाया। जी अब उठा लेंगे। वैसे भाभी जी, रणवीर के जाने के बाद आप काफी अकेलापन महसूस करती होंगी, और ये अकेलापन काफी मुश्किल से कटता होगा। मुझे तो लगता है ये अकेलापन दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कि आप अपना दिल और दिमाग किसी ऐसी जगह फोकस करें जो आपको अच्छा लगता हो, और यकीन मानिए उसके बाद आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। लगता है अब मुझे यही करना पड़ेगा। गोपू, गोपू। हाँ का छन्नो? तुमने देखा, साहब के जाने के बाद मेम साहब कितनी अकेली अधूरी से हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके चेहरे ने हंसना मुस्कुराना तक छोड़ दिया हो। हम जाना थे छन्नो, जब कोई अपना अपने को छोड़ के जाते है तो इंसान कितना अकेला और मायूस हो जाता है। हम तो कहते हैं साहब को इस तरह से मेम साहब को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कुछ दिन और रुक जाते तो क्या हो जाता? वो रुक जाते तो का तू जाती का बॉर्डर पे बंदूक हुआ चलाने बतियाती रहती है। गोपू, तू नहीं जानता कि शादी के बाद एक औरत के मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो सिर्फ वो अपने पति से शेयर कर सकती है, और किसी से नहीं। अरे ये सब सोच के हम तुम काहे परेशान होते हैं? देख छन्नो, जिस पे गुजरती है ना, इस दुविधा से वो छुटकाना पाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, समझी? चल अभी चाय पिला। मैं जानता हूं बरखा, मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों को और खुशियों को अधूरा छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन बरखा, मैं एक फौजी भी हूं, और एक फौजी के लिए उसका फर्ज पहले होता है, परिवार बाद में। लेकिन मैं तुम्हारे बिना तन्हा अकेली रह जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। रह तो मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करें, रहना तो पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है यह अकेलापन दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कि आप अपना दिल और दिमाग किसी ऐसी जगह फोकस करें जो आपको अच्छा लगता हो। Thank you.
गोपू, आकाश साहब कितने प्यारे हैं ना, और कितनी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, सबको हंसते हंसाते रहते हैं। हाँ, वो बहुत ही मनमौजी आदमी है, लेकिन जो भी उनके साथ रहेगा ना, बहुत हैप्पी रहेगा। और कितने हैंडसम भी है ना। छन्नो, कहीं तुम उनसे प्यार तो नहीं करने लगी? अरे नहीं नहीं, लेकिन मौका मिलता तो मौका भी नहीं छोड़ती। कहा? अरे भाभी जी, आइए ना। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।
अकेली बैठी थी, सोचा आपसे मिला हूं, थोड़ा दिल बहल जाएगा। फिर तो अच्छा किया आपने, क्योंकि जब दिल कहीं लगने लगता है तो बहलने भी लगता है। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? आप मुझे भाभी जी ना बोल के बरखा बोल सकते हैं। वैसे भी हम दोनों की सेम एज है, फिर फॉर्मेलिटी किस बात की? ठीक है, आप कहती हैं तो आज से हम आपको बरखा जी बुलाएंगे। बरखा जी, अब तो ठीक है ना? बरखा जी नहीं, सिर्फ बरखा। ओके, बरखा। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, और मुझे आपकी वो बात अब तक याद है। आपने कहा था, अकेलापन को दूर करने के लिए अपने दिलो दिमाग को ऐसी जगह फोकस कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। मैं वही करने जा रही हूँ। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अपना दिल और दिमाग कहाँ फोकस कर रही हैं? यूँ समझ लो, मेरी निगाहें उसे ढूंढने लगी हैं। एनीवेज, आपने कहा था खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं उस नज़रिए से आपको खूबसूरत लगती हूँ, तो आप मेरी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। वाओ, वेरी गुड आइडिया। वैसे आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? मैं आपके किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। कहिए। आप खूबसूरती की मिसाल नहीं, मशाल है, मशाल। जिस दिन जल उठेंगी ना, कयामत ढाएंगी। तो कीजिए क्लिक। है बरखा जी, देखिए आपके ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वाओ, अमेजिंग। तुमने तो मेरी ब्यूटी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने कैमरे में कैद कर लिया। बरखा जी, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी इस खूबसूरती को कैमरे में कैद किया ही नहीं जा सकता है। तो कहाँ कैद किया जा सकता है? आँखों में। तो कब कैद करना है? आँखों में? वैसे भी आपकी आँखों का कमाल है जिसने मेरी खूबसूरती को खूबसूरत होने की पहचान दी, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस काबिल भी हूँ। थैंक यू। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप ना होते तो मेरा क्या होता, शायद बहुत बुरा होता। थैंक गॉड, आपकी वजह से मैं अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो दिन भी जरूर आएगा जब ये अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बरखा जी, अब वही होगा जो आप चाहेंगे। मैं आपके साथ हूं। बरखा जानती है आज क्या होने वाला है। आज तेरा अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आकाश जी, कहिए किस लिए बुलाया आपने? बैठो। थैंक यू। पियोगे? जी नहीं, मैं शराब नहीं पीता। मैं तो भूल ही गई थी, मर्दों को शराब से नशा नहीं होता, उन्हें तो शबाब से नशा होता है। बरखा जी, मुझे लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। जी हाँ, मैंने ज्यादा पी रखी है। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। फिर इस अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब पी। सो सैड,
मगर फिर भी अकेली रह गई। फिर सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ये अकेलापन दूर किया जाए। आकाश, क्या तुम मेरा ये अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए दूर करोगे? बरखा जी, ये क्या कर रही हैं आप? आकाश, सच तो यही है कि मैं अपना यह अकेलापन दूर करने के लिए तुम पर ही फोकस कर रही थी। वो तुम ही हो जो मुझे अच्छे लगने लगे थे। प्लीज़ आकाश, अब यह अकेलापन चुभता है। प्लीज़ आकाश, आज तुम अपनी बाहों में भर के मेरा ये अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। बरखा जी, आप समझ नहीं रही हैं, ये सब ठीक नहीं होगा। आकाश, जो बरखा दूसरों की प्यास बुझाती हो, वो बरखा आज खुद प्यासी रह जाएगी। प्लीज आकाश, मुझे प्यासा मत छोड़ो, मेरे करीब आओ आकाश। क्या सोच रहे हो आकाश? रणवीर के बारे में। रणवीर के बारे में सोचना सिर्फ मेरा काम है, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मेरे बारे में। मुझे बेअंतहा दूरियां क्यों रह जो हम है दरमियां, नहीं नहीं अब नहीं करना नहीं तेरे मेरे होठों पे है हाँ। यार प्यार करने दे मुझे बेअंतहा दूरियां क्यों रह जो हम है दरमियां, नहीं नहीं अब नहीं करना नहीं तेरे मेरे होठों पे है हाँ। यार प्यार करने दे मुझे बेइंतहा। जैसे कोई बंजारा कर दे करम अपनी बाह का दे दे यूं सहारा, वो दिल मेरा आवारा जैसे कोई बंजारा कर दे करम अपनी बाह का दे दे यूं सहारा। यार तुझसे यही है इल्तिजा दूरियां क्यों रहे जो हम है दरमियां, नहीं नहीं अब नहीं कहना नहीं तेरे मेरे होठों पे है हाँ। यार प्यार करने दे मुझे बेइंतहा। तेरी पराहों में जाऊं तो मैं जाऊं कहां, जादू सा है तेरी अदाओं में, ओ बाहों में तेरी राहों में है जिंदगी तेरी पराहों में, जाऊं तो मैं जाऊं कहां, जादू सा है तेरी अदाओं में। यार होने दो इश्क इम्तिहान दूरियां क्यों रह जो हम है दरमियां, नहीं नहीं अब नहीं करना नहीं तेरे मेरे होठों पे है हाँ। यार प्यार करने दे मुझे बेइंतहा।
तरह पाके तुझे खोना दूं, आरज़ू जुस्तजू चाहतों का जुनू भी तू, पालू तुझे कुछ इस तरह पाके तुझे खोना दूं, आरज़ू जुस्तजू चाहतों का जुनू भी तू, तुझे पाया तू जीने लगा, दूरियां क्यों रह जो हम दरमियां, नहीं नहीं अब नहीं कहना नहीं, तेरे मेरे होंठों पे है हाँ यार, प्यार करने दे मुझे बेइंतहा। आकाश, तुमने पहले किसी लड़की से प्यार किया है? तुम्हें तो बहुत लड़कियां मिली होंगी। मिली तो थी, लेकिन वैसी नहीं मिली जिसके लिए दिल में अरमान जागा हो। वो नहीं मिली जिसके दिल में ढेर सारी मोहब्बत बसी हो मेरे लिए। लेकिन हाँ, अब मिल गई है। कौन? और एक रात प्यार भरी मुलाकात भी की है उसके साथ में। कोई नाम पता? बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा नाम है उसका। दिल में उसकी तस्वीर भी छुपा रखी है। कैसी दिखती है वो? उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार देखा है मैंने अपने लिए। बरखा, कभी तुमने अपने आप को आईने में देखा है? हूबहू तुम्हारे जैसी खूबसूरत है वो। मैडम, सर का फोन है आपके लिए। उन्हें बाद में फोन करने के लिए कहो। सही है भैया, जो दूर होत है वो हमेशा के लिए दूर हो जात है, और जो करीब होत है वो और करीब हो जात है। अरे और क्या, तुम हो ही ऐसे। देखो गोपू, हम कह रहे थे ना, जिस पर जो गुजरती है उस दुविधा से छुटकारा पाने का रास्ता तो निकाल ही लेता है, यही वो रास्ता है। अब तुमसे दूर रहने को दिल नहीं करता, लगता है तुम्हारे करीब ही रहूं, सिर्फ करीब। और फिर रणवीर का क्या होगा? रणवीर का सोचना सिर्फ मेरा काम है, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मेरे बारे में। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। ओह प्लीज कम ऑन। नहीं बरखा, अब ये सब नहीं हो सकता। हाँ रणवीर, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? तुम्हारा दोस्त आकाश यहीं रह रहा है, यूं कहो तो तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने ही मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। क्या
नीतो मुंबई आ रही है, पर क्यों, किस लिए? ऑफिशियल काम से? ठीक है, जब तक मन करे वो रह सकती है। भाभी, लो आ भी गई, मैं फोन रखती हूँ। हाय भाभी। हाय। हाय। अभी मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी। ओके, कितने दिनों के बाद मिले हैं ना भाभी, अब बस मिलकर मजे करेंगे। Not bad. भाभी मुझे तो लगा था भैया के जाने के बाद आप उदास हो जाओगी, मायूस हो जाओगी, बट आप तो पहले से भी ज्यादा हैप्पी एंड ब्यूटी लग रही हो। चल, आते ही लग गई भाभी को सताने। वाओ, क्या टेस्टी खाना है भाभी, मजा आ गया। हाय। हाय। ये जनाब कौन है? भाभी, आपने इस अननोन जनाब के बारे में बताया ही नहीं। आकाश, ये नीतू है, रणवीर की कजन सिस्टर, ये भी किसी काम से आई है। तो मैडम, अब तो मैं आपके लिए अननोन नहीं रहा ना। और जनाब आप करते क्या हैं? बस यूं समझ लीजिए कि कुछ करने की कोशिश में है। वैसे आप लुक लाइक हैंडसम है। खूबसूरत तो आप भी हैं। इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो मैं हूँ। नीतू, इन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है। ये जनाब कहते हैं कि वो खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। ओह, और इसके ऑपोजिट का शौक मुझे है। मींस? फोटो खिंचवाने का। अरे गोपू, ये क्या कुत्तों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है मुझे? देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? तुम ही बता दो ना हम कहाँ देख रहे हैं। खूब समझती हूँ तुझे, इतना ही शौक है ना तो शादी कर लो, लुगाई को ले आओ और पूरे दिन बैठ के निहारते रहना उसे। वही तो नहीं हो रही है, हुई होती ना, मां कसम। लाइफ की तो बात ही मत पूछ यार, यहाँ मुंबई में आने के बाद क्या झकास लाइफ कट रही है। मतलब रातें भी गुलजार, दिन में भी कमाल धमाल। अच्छा सुन सुन सुन, तेरी भाभी आ गई है, कुछ काम है, उसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। आकाश, अब हमें खुलकर नहीं छिपकर मिलना होगा। पर क्यों? अरे वो आ गई ना, भैया की लाडली पहरेदारनी बहन। ओ, अरे आ गई है तो आने दो यार, पहले तुम्हें देख के दिल बहलता था, अब उसे भी देख के दिल बहला लेंगे। यू मिस्टर, जो भी बेईमानियां करनी है ना, सिर्फ मेरे साथ। Not allowed other girls, only for me. उफ, मेरी जान, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम फिदा हैं यार। आई जस्ट किडिंग यार, वैसे भी हमारा दिल तुम्हारी बाहों के सिवा कहीं और लगेगा भी तो नहीं। भाभी, भाभी,
वाओ, क्या बॉडी है आकाश की। लगता है आपको भी आकाश की बॉडी पसंद है, इसीलिए तो इतने ध्यान से देख रही हैं उसे। वाओ, मैचो मैन, क्या बॉडी है यार। तुम्हें पता है, एक लड़की अगर तुम्हारी बाहों में एक बार आ जाए तो वो जिंदगी भर तुम्हें ही ढूंढती रहेगी। तो कब आ रही हैं आप मेरी बाहों में? ना, इतनी जल्दी भी नहीं। वैसे मिस्टर मैचो मैन, आप अपनी फोटोग्राफी का जादू हम पर कब आजमाएंगे? हमारी ब्यूटी आपके कैमरे में कैद होने के लिए तैयार है। हॉट लग रही हूँ ना मैं? तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी रात को तुम्हारे कमरे में कोई लड़की तो है। लेकिन मैडम, छुपते छुपाते आई हूँ, प्यार में इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। प्यार? कैसा प्यार? मिस्टर मैचो मैन, मैं ज्यादा फुटेज लेने वाली लड़की हूँ नहीं, इसीलिए पॉइंट पे आती हूँ। आई लव यू। कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी भाभी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? माय फुट, प्यार में सिर्फ प्यार के बारे में सोचना चाहिए ना। नहीं, ये सब ठीक नहीं। आकाश, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, चाहे तुम जितना भी छुपाने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारे दिल के इरादे भांप लिए हैं। तुम बस मुझे प्यार करो, चाहे जैसे भी करो। तुझे प्यार करूं यही जिद है।
तुझे ना बुझे ये कशिश है, तुझे प्यार करो यही सिद्ध है। क्या सोच रहा है? हे भगवान, हमारी सुहागरात कब होगी? अरे गोपू, पहले शादी तो कर। हे भगवान, हमारी शादी कब होगी? अरे घोंचू, पहले लड़की तो ढूंढ। हे भगवान, ये लड़की कहाँ मिलेगी? अरे ये तो हमारे टुल्लू का फोन है। हेलो। हाँ टुल्लू, कैसे हो भैया? का आज तुम्हारी सुहागरात है? हे भगवान, हमें तो लगता है कि हम अपने दोस्तन के सुहागरात के किस्से सुन सुनकर ही कुंवारे मर जाएंगे। भाभी, आकाश कैसा लड़का है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ नीतू। यंग है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है। तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लेकिन भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आई लाइक हिम। शट अप, तुम यहाँ किसी काम से आई हो, ना कि रंग रंगलिया मनाने। क्या जवाब दूंगी तुम्हारे भैया को? तुम जिस काम से आई हो उसी पे ध्यान दो, समझी? क्या देख रहे हो? अरे तुम? कुछ नहीं यार, बस मौसम अच्छा था तो। तो नीतू को देख रहे हो? अब तुम्हें मुझे देखने के बहाने बहुत कम मिलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आकाश कि तुम मेरी बाहें और बिस्तर का रास्ता भूलते जा रहे हो? बरखा, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझना नहीं चाह रहे हो। जब कोई दूसरी पास आने लगती है तो पहली की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही ना कि मेरे और नीतू के बीच चक्कर हो? तो भी क्या, तुम पे पहला हक तो मेरा ही है। क्यों है ना? दूरियां क्यों रही जो हम हैं दरमियां? नहीं नहीं, अब नहीं कहना नहीं, तेरे मेरे होंठों पे है हाँ। यार प्यार करने दे मुझे बेइंतहा, दूरियां
क्यों रहे जो हम है दरमियां, नहीं नहीं अब नहीं कहना नहीं, तेरे मेरे होंठों पे है हम यार, प्यार करने दे मुझे बेइंतहा। क्या हुआ नीतू, तुम इतनी उदास क्यों हो? आकाश, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? क्यों भाभी मुझे तुमसे दूर करना चाहती हैं? नीतू, हो सकता है उन्हें हमारा मिलना, हमारी बातें करना अच्छा ना लगता हो। तो क्या हम भाभी के कहने पर मिलना छोड़ दें, बातें करना छोड़ दें, प्यार करना छोड़ दें? तुम क्यों टेंशन लेती हो नीतू? हमने प्यार किया है और प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं। मैं हूं ना। कौन है? मैं, बरखा। तुम जाके बाथरूम में छुप जाओ। मुझे लगता है आकाश, तुमने दरवाजा खोलने में थोड़ी देर कर दी। एनीवेज, नीतू अपने कमरे में नहीं है। So what? तो तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? बरखा, जान तुम मुझ पे शक कर रही हो? यार, वो मेरे कमरे में क्यों आएगी? और एक बात बताओ, तुम उसे और कहीं भी तो ढूंढ सकती थी ना? ऐसा करो, अब मुझे भी नींद आ रही है, रात बहुत हो गई, तुम भी सो जाओ। बच्ची तो है नहीं, आ जाएगी यार। गुड नाइट। ओके।
ओह गॉड, पता नहीं क्यों भाभी मेरे पीछे पड़ी हैं। डोंट वरी यार। तुम आकाश के साथ थी? थी ना तुम? मेरे मना करने के बावजूद भी? भाभी आखिर आपको मेरा आकाश से मिलना पसंद क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं आप उसके करीब आना चाहती हैं? या आ चुकी हैं? वैसे भी भैया घर पे नहीं है। नीतू, तुम्हें अपनी भाभी से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अभी तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम यहाँ रहते हुए क्या गुल खिलाती हो। क्या किया आपने? बंद करो इसे भाभी, डिलीट करो इसे। ये क्या भाभी, प्लीज। कैसा लगा वीडियो ननद जी? बोलो तो दिखा दूं तुम्हारे प्यारे भैया को, वो भी थोड़ा एंटरटेन हो जाए। नहीं भाभी, प्लीज प्लीज भैया को मत दिखाना, प्लीज प्लीज। क्या चाहती हैं आप? तुम ये घर छोड़ के चली जाओ और आकाश की लाइफ से भी। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर और आकाश को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रही बात आकाश की, तो मैं उससे प्यार करती हूं और हमेशा प्यार करती रहूंगी। भाभी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी ये बेइज्जती मुझे हमेशा याद रहेगी। यार ये नीतू कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं चली गई है क्या? चली नहीं गई आकाश, मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। But why? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे बहुत करीब आ रही थी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम भी बहुत चालाक हो, बहुत चालाकी से एक साथ दो दो शिकार कर रहे थे, तो हम दोनों में से किसी एक को जाना ही पड़ता। तुम्हें अफसोस नहीं है उसके जाने का? क्या जान, अरे बस वो बेवजह मेरे गले पड़ रही थी, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस ये समझ लो कि मैं सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। प्यार तो हम सिर्फ तुमसे ही करते हैं। और अगर मैं यकीन ना करूं तो? तो तुम्हें अपनी बाहों में भर के यकीन दिला देंगे। क्या हुआ बरखा, ये तुम रणवीर की तस्वीर को क्यों देख रही हो? आर्मी के हेडक्वार्टर से फोन आया था कि लड़ते लड़ते रणवीर शहीद हो गए। व्हाट? रणवीर शहीद हो गया? कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं है ना तुम्हें? मेरा दोस्त रणवीर, मुझे यकीन नहीं हो रहा बरखा कि मेरा दोस्त रणवीर आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ यकीन करना होगा बरखा, जैसा भी था वो पति था तुम्हारा, सहारा था तुम्हारा और मेरा दोस्त। क्या तुम मेरा सहारा नहीं बनोगे आकाश? क्या कहा तुमने? एक मशहूर कहावत है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, फ्यूचर को देखो
और मेरा फ्यूचर मेरे सामने खड़ा है। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे आकाश? वाह बरखा वाह, क्या कमाल का कमीनापन पाया है तुमने। पति को मरे हुए चंद घंटे नहीं बीते, आंखों से दो आंसू नहीं बहे और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी ना किसी को तो सहारा बनना ही पड़ेगा। पहले पति था, अब प्रेमी पति होगा। जानते हो आकाश, रणवीर के ना होने पर अब ये करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तुम मुझसे शादी करोगे तो डबल फायदे में रहोगे, मेरे साथ करोड़ों में खेलोगे। गोपू, सुना है मेम साहब आकाश से शादी करने जा रही हैं? ये कलयुग है छन्नो, कभी तो पति मरने के बाद औरत कई दिनों तक शोक मनावत है। एक हमरी मेम साहब सुहाग रात मनावत है। ये शादी वादी ना है, हवस है हवस। हाँ हवस का होते छन्नो? हट बुद्धू। तुम जिंदा हो? हाँ बरखा, मैं जिंदा हूँ। लेकिन वो न्यूज जिसमें तुम मारे गए थे? और तुमने उस गलत न्यूज को सच मान लिया, शादी कर ली इससे। बरखा, अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना, तो कम से कम मेरे जनाजे का इंतजार तो करती तुम। इंतजार जिंदा इंसानों का होता है, मुर्दों का नहीं। और करती भी क्या, तुम्हारे जाने के बाद कितनी अकेली पड़ गई थी मैं, आंसू बहाती रहती। तुम्हारे पास वक्त होता भी कैसे बरखा? तुम्हें ये जो मेरे एहसान फरामोश दोस्त से शादी जो करनी थी। तमीज से बात करो रणवीर, आकाश मेरे पति हैं। हाँ रणवीर, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बरखा अब मेरी बीवी है। नहीं आकाश, तुम गलत हो, बरखा आज भी मेरी बीवी है, क्योंकि अभी तक ये फौजी जिंदा है। नहीं रणवीर नहीं, माना कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। माना कि वो न्यूज गलत थी, पर वो न्यूज ऑफिशियल ही थी, उसी न्यूज को मानकर मैंने आकाश से शादी कर ली। तुम ये क्यों नहीं कहती बरखा कि मेरे ना होने पर तुम इस आकाश की बाहों में मजे लूट रही थी? अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिस बीवी को छोड़ करके जा रहा हूँ, लौटूंगा तो इस तरह उसे नापाक पाऊंगा। और तुम आकाश,
तुमने तो यार दोस्ती के भरोसे को कहीं ना कहीं दफन कर दिया। इनफ रणवीर, इनफ। अब तुम मेरे लिए सिर्फ गैर मर्द हो जिसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा सारा खेल समझ गया हूँ बरखा। तुम्हें क्या लगा कि मेरे मरने के बाद सारी दौलत तुम दोनों की हो जाएगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी दौलत तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। हो चुकी है रणवीर, और अगर कोई शक हो तो कानून और समाज की नजर में यह साबित करोगे तुम जिंदा हो, और हम ये साबित कर देंगे कि तुम मारे जा चुके हो। Now get out! हरामजादे, इस कमीने बनके खेल का मास्टरमाइंड तू ही है ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटर होगा कि तुम यहाँ से अब चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। लेकिन तुम दोनों एक बात याद रखना कि मैं फौजी हूँ, और एक फौजी कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता, कभी नहीं करता। I love you, Akaash. I love you. लेकिन लगता है तुम शायद मुझे भूल गए हो। लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूं आकाश। मैं तुम्हें पाना चाहती हूं हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी होना चाहती हूं। लेकिन ना जाने क्यों, ना जाने क्यों मेरी बीवी। बरखा, तुमने मेरी मोहब्बत को मोहब्बत ना समझा। मैं तो शायद फिर भी तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन मेरी रूह तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। क्या हुआ बरखा, तुम चीखी क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, मैंने सपने में देखा कि रणवीर ने मुझे जान से मार दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है आकाश, रणवीर मुझे जान से मार देगा। कम ऑन बरखा, सपना था वो, सपना हकीकत नहीं होता। और जो रणवीर खुद बेचारा किस्मत का मारा है वो क्या किसी को मारेगा? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सोचा तो मैंने भी नहीं था नीतू कि वो हमारे साथ ऐसा करेगी, लेकिन शायद इस मतलबी दुनिया ने उसे भी मतलबी बना दिया। अब दौलत ही उसके लिए सब कुछ है। दौलत ही सब कुछ नहीं होती ना भैया, अब ये दर्द सहा नहीं जाता। तू रो मत नीतू, तू रो मत। जिसने दर्द हमें दिया है ना, उससे 10 गुना ज्यादा दर्द मैं उसे दूंगा। आकाश, कभी कभी किसी सपने की आहट भी सच होती है। हो ना हो, रणवीर मुझे मारने की कोशिश में होगा। हो भी सकता है, वैसे भी अभी अभी बेचारे का दिल टूटा है।
ऐसे में ताजा जख्म इंसान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। क्यों ना वो हमें मारे, उससे पहले हम ही उसे मार दे। मजा आएगा कि पहले कौन किसे मारेगा। मार दिया मेरी बरखा को, उजाड़ दिया मेरा चमन। वो जैसी भी थी, बीवी थी मेरी, प्यार करती थी मुझसे, तुमसे हमारी खुशियां देखी नहीं गई ना। अब तो ठंडक मिल गई होगी तुम्हारे दिल को। अरे रे आकाश, ये झूठे आंसू मुझे मत दिखा। मैं चाहूं तो तुझे भी जान से मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि धोखा तो मुझे अपनों से मिला था। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रणवीर ने ही बरखा का खून किया है? जी। तो आपने बचाने की कोशिश नहीं की? इंस्पेक्टर, जब मैं यहां पहुंचा तो वो कमीना बरखा को मार चुका था और यहां से फरार हो गया। आप चाहे तो इन सब से पूछ लीजिए, पर मेरी बरखा को इंसाफ दिलाइए इंस्पेक्टर। क्या ये सच है? हां साहब, रणवीर जी ने ही बरखा मैडम का खून किया है और चले गए। मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? जी, मैं बरखा का हस्बैंड हूं। ओके, तो मिस्टर रणवीर? वो इनके पहले हस्बैंड हैं। ओके, और मोहतरमा, आपकी तारीफ? मैं रणवीर भैया की बहन हूँ, कजिन। अच्छा, काफी किरदार हैं। हर किरदार में कुछ ना कुछ कहानी तो जरूर है। मजा आएगा, कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है। इंटरेस्टिंग। आकाश, I'm so happy। अब हमें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। वो सारी दीवारें गिर गई जो हमें मिलने से रोकती थी। क्या सोच रहे हो आकाश? नीतू, ये माना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और अब हमारी शादी भी हो गई, पर क्या मैं बरखा को भूल पाऊंगा? आखिर वो मेरी बीवी नहीं थी, उसने भैया को गुमराह किया था और अब तुम्हें भी तो गुमराह कर रही थी। भैया नहीं मारते तो मैं उसे मार देती। आकाश, तुम बीते हुए पलों को भूल जाओ, अब इस पल में मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों साथ हैं। कौन है? पुलिस। पुलिस? पुलिस? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर आकाश। आपको बरखा के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बरखा के खून के जुर्म में?
पर इंस्पेक्टर शायद आपको पता होगा बरखा का खून मैंने नहीं रणबीर ने किया है। इंटरेस्टिंग। आप नहीं चलेंगे मैडम? अरे इस साजिश के छींटे तो आपके दामन पे भी पड़े हैं। चलिए, अरे चलिए चलिए। इंस्पेक्टर आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ही बरखा का खून किया है? वो क्या है ना मिस्टर आकाश, इंसान एक बार मरता है, दोबारा नहीं। और मरा हुआ इंसान कभी किसी को मैसेज नहीं करता है, और जिस मोबाइल से मैसेज किया गया है उस मोबाइल पे आपकी उंगलियों के निशान हैं। ये मैं नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों कह रहे हैं। और ये सबूत अगर छोटा है तो इससे बड़ा सबूत भी मेरे पास है। जरा वो देख लो। साहब आप ये क्यों नहीं कह देते कि बरखा मैडम का खून आपने ही किया है? हाँ मारा है मैंने बरखा को, इन्हीं हाथों से गला दबा दिया उसका। नफरत हो गई थी मुझे उससे क्योंकि मैं नीतू से प्यार करने लगा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे और वो हमारे प्यार के बीच में आ रही थी, इसी बात पे हमारा झगड़ा हुआ। आकाश अगर तुम्हें नीतू की बाहों में रातें रंगीन करनी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम पे पहला हक मेरा है। शट अप बड़का जा, शट अप। किस हक की बात करती हो तुम? तुम पर भी पहला हक तुम्हारे पति यानी रणवीर का था, लेकिन अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए वो हक तुमने मुझे दिया और मेरे साथ शादी का झूठा नाटक किया सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। लेकिन तभी मुझे नीतू से सच्चा प्यार हो गया। अब मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तुम मुझसे शादीशुदा होकर नीतू से शादी करना चाहते हो? मुझे ऐसी शादी पर विश्वास नहीं जहां रिश्तों से बू आती हो। मुझे तुमसे, तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे बिस्तर से छुटकारा चाहिए, समझी तुम? आकाश! लेकिन मुझे ये धोखा कबूल नहीं है। मेरे जीते जी तुम नीतू को कभी नहीं पा सकते। उसी झगड़े में मैंने मौका पाकर उसका गला दबा दिया। इंटरेस्टिंग। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम जब नीलू से प्यार करते थे या शादी करना चाहते थे तो फिर बरखा से शादी क्यों की? करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं जानता था रणवीर के मरने के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बरखा बन गई थी और इसीलिए मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो गया था। बरखा के लिए मेरा उससे शादी करना प्यार था, विश्वास था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ धोखा था, फरेब था। मैं जानता था कि अगर बरखा को रास्ते से हटा दिया जाए तो प्रॉपर्टी आसानी से नीतू के नाम हो जाएगी और यहां हमारी स्क्रिप्ट का पहला सीन शुरू हो गया था।
साजिश रची थी कि कैसे बरखा को रास्ते से हटाया जाए। इंटरेस्टिंग। लेकिन तभी हमें पता चला कि रणवीर जिंदा है, और रणवीर के जिंदा रहते हुए करोड़ों की प्रॉपर्टी नीतू के नाम नहीं हो सकती थी। आकाश, बरखा को मारने से क्या फायदा होगा? भैया तो अभी जिंदा है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेकिन इस दौलत को हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? नीतू, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि एक से भले दो। अब इस खेल में कोई एक नहीं बल्कि दो लोगों को मरना पड़ेगा। वैसे नीतू, तुम अपने भैया को मरते हुए तो देख पाओगी ना? आकाश, अगर तुम मेरे भैया की कब्र भी खोदने के लिए कहोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। वैसे भी अगर भैया जिंदा रहेंगे तो हमें कभी मिलने नहीं देंगे। तो फिर यकीन मानो मेरी जान, अब इस खेल में 100% उन दोनों को मरना पड़ेगा। Cheers. उसके बाद नया प्लान तैयार किया कि क्यों ना रणवीर को ही बरखा के खून के इंजाम में फंसा दिया जाए। दोनों के झगड़ों का फायदा उठाया जाए। इस तरह से दोनों को रास्ते से हटाकर प्रॉपर्टी हासिल की जा सकती थी। जब मेरा और बरखा का झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मैंने मौका पाकर बरखा का खून कर दिया, जब गोपू ने मुझे देख लिया तो मैंने उसे धमकी दी और पैसों का लालच भी दिया कि वो राज को राज ही रहने दे, किसी को ना बताए। आखिर तुमने सब कुछ देख ही लिया। अब देख ही लिया है तो एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ये राज किसी को बताने की कोशिश भी की तो तुम्हें भी तुम्हारी मेम साहब के पास पहुंचा दिया जाएगा। और अगर ये रात छुपाकर हमारा साथ दिया, पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? नहीं साहब, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। गुड। फिर मैंने बरखा की लाश को उठाकर चेयर पे लिटा दिया, कुछ इस तरह कि अगर कोई देखे तो उसे ऐसा लगे कि कोई जिंदा आदमी या जिंदा औरत बैठी है। इसके बाद बरखा के मोबाइल से मैंने एक SMS रणवीर को किया। हो गया। ऐसा मैसेज जिसको पढ़कर रणवीर तिलमिला जाए और गुस्से में आग बबूला होकर यहां आने पर मजबूर हो जाए। बरखा का मैसेज, मुझे मारने की धमकी दे रही है। हुआ भी ठीक वैसा ही। कुछ देर बाद रणवीर वहां पहुंचा। उसने बरखा को अकेला पाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
उसे लगा कि उसने बरखा को मार दिया है। तभी मैं झाड़ियों से निकलकर बाहर आया और मैंने कहा कि रणवीर तुमने मेरी बरखा को मार दिया, और मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस का नाम सुनकर वो वहां से डरकर भाग गया। हेलो पुलिस। इस तरह रणवीर सलाखों के पीछे चला गया। वो बेगुनाह होकर भी जेल में सड़ रहा था और हम गुनहगार होकर भी बड़े सुकून से, बड़े चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन न जाने कब ये कमबख्त गोपो की जबान खुल गई और इसने सारा प्लान चौपट कर दिया। और हमें यकीन हो चला था कि भैया को बरखा भाभी के कत्ल के जुर्म में एक ना एक दिन फांसी की सजा हो ही जाएगी। इंटरेस्टिंग। वाह रे बहना वाह। मैंने जहां तक सुना था कि एक बहन भाई के लिए दुआ करती है, जानती हो ना, लेकिन तुम्हारा ये भोलापन अपने भाई की मौत के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, घिन आती है मुझे। अरे तुम्हारे जैसी बहन से तो ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन उस नौकर की ईमानदारी ने, उसके जमीर ने तुम्हारे इरादों का पर्दाफाश कर दिया। मिस्टर आकाश, ना ही तो ईमानदारी को डराया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है, समझे? साहब 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 साहब। हरामजादे, रणवीर को मेरा प्लान बताना चाहता है। तुझे समझाया था ना कि अपनी जुबान बंद रखना। बात यह है कि उस नौकर ने सच उगल दिया। सच कहा इंस्पेक्टर आपने? आज अगर गोपू ना होता तो मैं एक बेगुनाह होकर भी गुनहगार की जिंदगी जीता। मैं जानता हूं कि आकाश ने जो भी किया वो उसकी गलती थी, और उतनी गलती बरखा की भी थी, क्योंकि बरखा ने तो कभी मेरे फर्ज को फर्ज ना समझा और मेरी मोहब्बत को मोहब्बत, और उसने आकाश के साथ मिलकर एक ऐसा रिश्ता अपनाया जिसका अंजाम तो आप लोग देख ही रहे हैं। और फिर इस तरह हर गुनाह को अंजाम देने के लिए एक साजिश का जन्म होता है, और फिर अपने दोस्त की बीवी के साथ गलत रिश्ता, फिर खून कर दिया और अपने दोस्त को भी मारने की साजिश की। इस तरह तुमने गलतियां गलतियां गलतियां, मतलब गलती पे गलती किए जा रहे थे। मेरे हालात ने मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। रणवीर, शायद मैं तुम्हें दोस्त कहने का हक खो चुका हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली। मैं उन खुशियों को लौटा तो नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं इस जेल में रहकर अपने गुनाहों का पश्चाताप जरूर करूंगा, और यह हो सकता है कि वो ऊपर वाला और तुम मुझे माफ कर दो। अरे का देख रहे हो भैया, आप लोगन को लगता है कि हम कुंवारे मर जाएंगे? अब हमारे बाप को लगने लगा कि हम बड़े हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है, अब हम ऊ करेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप लोग जाइए। प्यार करने दे मुझे बेइंतहा,
हम हैं दरमिया, नहीं नहीं अब नहीं कहना नहीं, तेरे मेरे होंठों पे है हाँ यार। प्यार करने दे मुझे बे इंतहा दूरियां, क्यों रहे जो हम हैं दरमिया। अभी जाना है ना? पंजाबी का तो क्या बोलता है सोच। कट माइक दिखा रहा है। आइए बैठिए, यहाँ पे उठ सकते हैं। अच्छा तो फिर ये भी यार बोले, आपने बोले क्या जाएगा तुमने तो अभी अभी एक काम करो, कोई बात नहीं। शट अप भाई, आई लाइक दिस वर्किंग सब नो ना। सर मैं इनका लंबा डालो, सर रिएक्शन दे रहा हूँ सर थोड़े। नहीं लंबा है तो फ्रेम में है ना, बोले बोलना पड़ेगा इनको। आकाश तुमने गलत जगह थप्पड़ मार दिया। बस बस बहुत हो गया। क्यों रहे जो हम हैं दरमिया, नहीं नहीं अब नहीं कहना नहीं, तेरे मेरे होंठों पे है हाँ यार। प्यार करने दे मुझे बे इंतहा। Hey